पहल, तो राष्ट्राध्यक्ष से संबंध बनाने के चक्कर में बाहर जाना भी पड़ता है ना। कभी कोई इंटरव्यू में पूछ भी दे तो इतना ही बोलिए, कभी कोई इंटरव्यू में ऐसा भड़काऊ क्वेश्चन पूछ दे कि क्यों, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं बाहर, क्या आपको लगता है कि सही है, तो खुश मत हो जाना अगर एटीट्यूड अलग है, अलग राजनीतिक एटीट्यूड है कि हाँ हाँ सर ऐसा ही है ना, ये बहुत पैसा खर्चा होता है, अच्छा नहीं है। अब बताना है कि सर प्रधानमंत्री कार्यालय के वो राजनीतिक प्रमुख हैं, नीति आयोग के राजनीतिक प्रमुख हैं, और इन दोनों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये है, इस वजह से प्रत्येक प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा करनी पड़ती है और लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने यह काम किया है ना, इस तरह से बात करते हैं। दूसरा जब प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो प्रशासनिक सहायता पीएमओ से दी जाती है, ठीक है। तीसरा, प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालय और विभाग यथा कार्मिक मंत्रालय, उदाहरण के लिए कार्मिक मंत्रालय एवं एजेंसियां यथा सीबीआई के संदर्भ में प्रशासनिक सहायता पीएमओ से दी जाती है, ये सब थोड़ा पीटीपीटी में पूछते भी हैं। और पुलिसिंग की एजेंसियों का संबंध किससे किससे, आईबी किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, गृह मंत्रालय से, एनआईए किससे है, गृह मंत्रालय से, रॉ किससे जुड़ी हुई है, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से भी नहीं, और कोई बता सकते हैं, विदेश मंत्रालय से भी नहीं, अच्छा गेस है वैसे विदेश मंत्रालय, गेस अच्छा है लेकिन है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, नीचे एक नोट बनाइए, नोट लिखिए, जितनी पुलिसिंग की एजेंसियां है ना, चलिए सब पूछ देते हैं, प्रीलिम्स वगैरह में कभी जरूरत पड़ता है, कोई एक लाइन लिख देंगे, नीचे नोट लिख दीजिए, डैश देकर सीबीआई डैश देकर लिखे कार्मिक मंत्रालय और पीएमओ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक दिन आएगा आपके लाइफ पढ़ेंगे बात करें, सीबीआई डैश देकर कार्मिक मंत्रालय मिनिस्टर पर्सनल पब्लिक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेक्ट, उसे लिखे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो डैश देकर गृह मंत्रालय, उसके बाद लिख दीजिए एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम देखेंगे इसको भी पढ़ेंगे, एनआईए एनसीटीसी ढेर सारा है सब पढ़ेंगे, एनआईए डैश देकर गृह मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रॉ आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जैसे अमेरिका में है ना, क्या है सीआईए, वेरी गुड सीआईए के जी इजराइल की मिस्रा भी उसी टाइप की, क्या है रॉ, जो काम आईबी हमारे देश के अंदर करती है वही काम आज सूचना इंटेलिजेंस गोपनीय सूचना लेना देश के बाहर रॉ करती है, अजीत डोवाल साहब यही सब करते थे पहले, बहुत थे केरला काडर के आईपीएस अधिकारी, ऐसे ही कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनता, अपने आप में वही बहुत बड़े एग्जाम्पल, आप लोग को सिविल सर्विसेज में जिसको जाना है जैसे कि आईपीएस किसी के फर्स्ट चॉइस है उनके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन का ये, ये व्यक्ति पहले ही अपने केरला काडर से हैं, पहले ही जो इनकी प्लेसमेंट हुई तो वहां पे एएसपी थे और हिंदू मुस्लिम राइट थी, और इंडिया में जानते ही हो कि जब ये सब होता है तो एक दूसरे के लिए सामान ये कर ले, जहां पे जाने से लोग डरते थे वहां पे ऐसे ही व्यक्ति घूम रहा था, और जो दोनों पक्ष जो लड़ाई किया था उससे जाकर नेगोशिएशन करके सामान को रिकवरी करके चल निकलो, एक से दूसरे को दूसरे से पहले को सब सामान वहां दिलवा के सब खत्म करवा दे, पहले ही बार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइन में आ गए, ये तो अच्छे नेगोशिएटर हैं, इनको भेजा गया नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट जब गए तो वहां पे आप देखेंगे कि मिजो नेशनल फ्रंट और ऐसे ऐसे में 6-7 लोग थे जो सरकार के अगेंस्ट में लड़ते थे, एक को तो निपटा दिया, बाकी जो बचे 6 उनके साथ नेगोशिएट करके उनके ब्रेन वॉश करके उल्टा घुमा दिया, गवर्नमेंट साइड के हो गए वो, और वो और ऐसे टेररिस्ट आउटफिट से लड़ने लगे, ठीक है, जैसे उनको बोला कि देखो ऐसा है लड़ाई झगड़ा करोगे गरीब रहोगे किसी दिन उड़ा दूंगा, इससे अच्छा है क्या है मुख्य भारत में आओ है ना पोलिटिकल पार्टी में आओ लड़ो और ऐसा करो ये करो वो करो, वही लोग जो क्राइम कर रहे थे क्राइम छोड़ छोड़ के पोलिटिकल एरिया में आ गए, ठीक हो गया, वो देख के भारत सरकार और ज्यादा अचंभित हो गई, वाह ये तो कमाल की बात है, सिक्किम भेजा गया, सिक्किम में कभी स्टेबिलिटी नहीं होती थी, व्यक्ति 3 दिन में सिक्किम को ठीक कर दिया है ना,
उसके बाद जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस था। अभी मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, एक टेररिस्ट आउटफिट था जो पाकिस्तान के बिहाफ पे हमारे यहाँ इंट्रूडर्स भेजते रहता था, टेररिस्ट लॉन्च करता था, लड़ता था। ये गए, उससे नेगोशिएट करके उल्टा घुमा दिया, अब वो हमारे बिहाफ पे उनसे लड़ने लगा, है ना। जब 1999 में एक हवाई जहाज IC-814 दिल्ली काठमांडू के बीच में जब वो हाईजेक हुआ और एक तरीके से उतारा गया था अमृतसर थोड़े टाइम के लिए रिफिलिंग के लिए, 3 घंटे का समय था, लेकिन हम लोग कमांडो ऑपरेशन किए नहीं तो रिटेक ऑफ हो गया और कंधार चला गया। उनके टेररिस्ट से नेगोशिएट करने में यही नेगोशिएटर थे। आपको अंदाजा है कितने टेररिस्ट को छोड़ने की डिमांड थी? 100, 100, 100 कितना छोड़वाया इन्होंने? घटाते घटाते 99, 98 करते करते 3 छोड़ा मात्र। 3 टेररिस्ट छोड़ के पूरे हवाई जहाज पर ले आए, हालांकि वो भी गड़बड़ी करवाया, 26/11 की घटना जो है उसी में से वो भी उसके टारगेट में है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूं कैमरे के सामने, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय जो बोलने लायक बातें थी उन्होंने बताई आपको। ऐसे ही कोई NSA नहीं बनता है, जज्बा चाहिए होता है, जज्बा है ना। उम्र देखिए और काम देखिए और शरीर में देखिए उसमें क्या, ऐसा ऐसा कुछ मोटिवेशन रखिए। एक ही बार पढ़ो देना सीधा याद हो जाए, पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का लेवल ही नीचे चला जाता है क्योंकि हम रियल में फील नहीं कर रहे होते ना। फिर हम सिनेमा देखने जाते हैं, एक था टाइगर सलमान खान का, अरे ओरिजिनल टाइगर देखो ना भाई, है ना, अजीत डोभाल साहब को देखिए, है ना। ये रॉ में काम किए थे, पाकिस्तान में बहुत टाइम अलग अलग तरह से रहे, बहुत बहुत सारी बातें छोड़िए। रॉ के लिए लिखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पैस देकर मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। एक और संस्था है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नाम सुने थे, लिख दीजिए ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, JIC। ये खास करके जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना उसको पकड़ती है, पुलिस की संस्था है। ईडी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया ना, ईडी को यहां नहीं लिखेंगे, ईडी का मिनिस्टर फाइनेंस से संबंध है। क्या है भाई? ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, कैश देकर लिख दीजिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरी। हम लोग पढ़ेंगे एक दिन, उसके बारे में भी बात करेंगे। बॉक्स में बंद कर दीजिए, पीटी में काम आएगा और आगे लिखते रहिए। अभी तक हमने देखा कि पीएम को जो मंत्रालय दिया जाए, एजेंसी दी जाए, उसके लिए सपोर्ट करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे तो लाइजन ऑफिस। नेक्स्ट, अगला, जब प्रधानमंत्री, अगला पॉइंट, भूमिका हम लोग देख रहे हैं क्या काम करती है पीएमओ। नेक्स्ट, जब प्रधानमंत्री से संसद में प्रश्न पूछे जाएं, संसद में प्रश्न पूछे जाएं, कॉमा, निंदा प्रस्ताव पर भाषण करने की अपेक्षा व्यक्त की जाए, अपेक्षा व्यक्त की जाए, या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद का प्रस्ताव में भाषण करना हो राष्ट्रपति के उद्घोषणा के उपरांत या सॉरी अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद के प्रस्ताव में भाषण करना हो तो ऐसे सभी संसदीय दायित्वों के लिए प्रशासनिक सहायता पीएमओ से दी जाती है, पीएमओ से दी जाती है ना। आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे पॉलिटी में या पढ़े होंगे, आगे देखेंगे कि हर साल का जो पहला सत्र होगा वो ज्वाइंट होगा, राष्ट्रपति बोलेंगे या लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो पहला जो सेशन होगा उसमें अभिभाषण किया जाता है, जो दोनों सदनों के लिए होता है। उसके बाद धन्यवाद का प्रस्ताव होता है, उसमें जितने भाषण भूषण है ये सब पीएमओ लिखता है और उस पर पीएम बोलते हैं। पीएम जब बोल रहे होते हैं संसद में तो दर्शक दीर्घा में पूरा ऑफिस बैठा रहता है, नीचे जब विपक्ष सवाल पूछता है तो दिल पीएम का नहीं धड़कता है, ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का धड़कता है, अपना पूरा फाइल पूरा अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं आंसर तैयार करने के लिए। अब देखे होंगे चिट आता रहता है ऊपर से आने के बाद, पार्सल पहुंचाता रहता है। अब देखिएगा कुछ सवाल पूछा, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, पीएम के पास थोड़ी ही देर में चिट आ जाएगा, वो कुछ बोल रहे होंगे उसके बाद वो शुरू करेंगे, उसके बाद पूरा सब कुछ कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई और गलत हुआ अजनबी बन जाओ, है ना। तो ये बड़ी अकाउंटेबिलिटी वाली काम होती है और आप लोग को भी ऐसा ये सब करने का मौका मिल सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होंगे। एक आखिरी भूमिका में, सॉरी, चुनाव में जो बोलते हैं वो तो राजनीतिक होगा ना, हालांकि प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे होते हैं हमेशा, एक भी भाषण उनका ऐसा नहीं होता, तो इतने ध्यान रखते हैं चीज। अब भाई राजनीतिक बातें हैं, ये सब का क्या लेना देना है, राजनीतिक मंच पे जो बोलते हैं उसकी बात यहां नहीं कर सकते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, सॉरी ना, बिल्कुल। देखो जब यहां पे कमल का फूल लग जाए कमल का भाषण तब तो वो व्यक्ति अलग है, और जब ये हट जाए किसी सरकारी मंच पर है, कोई योजना का उद्घाटन हो रहा है, कोई करना, ये अलग व्यक्ति है। अब समझे, क्योंकि जब यहां नहीं रहेगा तो ममता बनर्जी भी उस मंच पर हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी साहब हो सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो हम लोग तो गवर्नेंस पढ़ने आए हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी। अगला पॉइंट, ऐसी भूमिकाएं जो किसी मंत्रालय या विभाग में, ऐसी भूमिकाएं जो किसी मंत्रालय या विभाग में स्पष्टता से ना दिखें
ऐसी भूमिकाओं को अवशिष्ट भूमिका कहते हैं, रिजिजुअल फंक्शन, अवशिष्ट शक्ति, रिजिजुअल पावर, अवशिष्ट भूमिका कहते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ही भूमिका संपादन करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कामकाज है, सब मंत्रालय का काम बटा है, उनको पैसा खर्च करना है अपना अपना है। जैसे 26 जनवरी को जो राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया, उस पर जो फंक्शन होता है वो रक्षा मंत्रालय उसको डील करता है, उसका एक बजट है। लेकिन बहुत बड़े वीआईपी को बुला लेंगे हम, किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे ओबामा साहब को बुलाए थे अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो पैसा बहुत खर्च हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति वैसे वैसे होते नहीं, 1700 लोग को लेकर आए थे, कितने 1700, एक पूरा होटल, जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके बगल में मौर्या सेरेटन है, पूरा होटल लिया गया था, 23 करोड़ रुपए एक दिन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होटल का खर्चा था। 1700 उसमें 500 गोली मारने वाले थे, 500 स्नाइपर्स थे उनके, है ना, नेवी सील्स, यूएस डेल्टा, यूएस मार्शल, सब लेके आए थे, सीक्रेट सर्विस, सीआईए, एफबीआई, सबके एजेंट थे उनके पास, है ना। धाएं अगर लड़ना पड़ जाता ना उनको इंडिया से, तो यहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने असला गोला बारूद लेके आए थे, और बहुत सारा दिक्कत होता है ऐसे प्रोटोकॉल में, चूंकि इतने बड़े व्यक्ति को जब बुलाते हैं आसान नहीं रहता, बहुत चीज कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा। जैसे हम लोग तोप लेके आते हैं तो राष्ट्रपति की तरफ सलामी मंच की तरफ घुमाते हैं ऐसे, है ना, ऐसा। तो अमेरिकन एजेंसी ने कहा कि नहीं ये नहीं करने दे, पता नहीं तुम क्या करोगे। भारत ऐसा हो चुका है अमेरिका के राष्ट्रपति का, है ना, तो बाहर ऐसे ही फंक्शन में शूट किया गया है, तो वो उनका बड़ा ये था। हम लोगों ने कहा कि ये हम कैसे कर दें, सलामी तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो उसको उपाय ये निकाला गया कि जितने ये सब होंगे सब में एक एक उनके स्नाइपर्स रहेंगे, जो ड्राइवर है एक तो पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद सब जगह बैठे रहेंगे विद गन, बीच में कुछ लोड वोड करके या कुछ ऐसा किया, और बुलेट प्रूफ का वो सब बनाया गया था मंच, है ना। फिर बात आती है कि भाई वहाँ पे जाना बैठने के लिए, तो आपको पता है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का गाड़ी कौन सा है, वो गाड़ी वो 6 गाड़ी पहले आया था, एक एयरक्राफ्ट उतना भयंकर, उनको 6 गाड़ी लेके आया था, यहाँ पे चलेंगे जिस पे वो। अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश में दूसरी गाड़ी में बैठता ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि बैठे यहीं पे, चलो नेहरू विहार में चाय पे लगलाते हैं, इस तरह का होगा नहीं। राष्ट्रपति के पास लिमजिन है, तो हमारा ये प्रोटोकॉल है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको हम अपने गाड़ी में बैठा के राष्ट्रपति के साथ लेके आते हैं, ये हमारा कल्चर रहा है, हमारा ये प्रोटोकॉल था। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे आए, उन लोगों ने कहा कि आप बैठा लो, आप कहें तो आपके राष्ट्रपति हमारे साथ बैठ जाएंगे, चले जाते हैं, ये कैसे होगा भाई, हमारा राष्ट्राध्यक्ष भी बीच में मैनेज हुआ कि चलो इस बात को मान लेते हैं, वो अपनी गाड़ी से आए, ये अपनी गाड़ी से आगे पीछे ऐसे गए। ऐसा गेस्ट आ जाए, ऐसा मेहमान, जिसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे भी बंद कराया गया था कि उसका एयरफोर्स विमान, एयरफोर्स वन, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो कहाँ जाएगा, ठीक है। और जब वो अपने एम्बेसी से निकल करके वहां गए, तो जो जो ट्रैक था, रास्ता था, सभी जगह दीवार पे नेवी सील्स के लोग गन ले लेकर बैठे हुए थे, स्नाइपर्स, अमेरिकन लोग, जो हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हुए एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे इतने लोग, इतना खर्चा कहाँ से देगा रक्षा मंत्रालय, कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसका नाम है पीएम। रट जाना है, पीटी में ये सब आता है, पीटी की कहानी हो गई खत्म, अब इससे हमारा लेना देना भी। पीएमओ से रिलेटेड इश्यूज जो मेंस में आएंगे वो मुद्दे नीचे आ जाइए, सब टाइटल लिखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित मुद्दे, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित मुद्दे इश्यूज। अब देखिए मामला ये है, आपसे सवाल ऐसा पूछेंगे कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना इन्फ्लुएंशियल है, है ना, कुछ प्रश्न लिखे ताकि आपको हैबिट हो ऐसे प्रश्नों को देखने का, कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं, तो चर्चा में रहता है, ये किसी भी साल हो जाए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं। क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय संघ की अन्य संस्थाओं